Good morning, student. Today I will continue chapter number 5 and question. First is subtract the following. हमारे जो question है word problem question. These word problem question are at the page number 65. But ये जो question है मैं आपको add भी करवाऊंगी because आपको word problem question ये वाले questions भी हैं और chapter के end में page number 68 पर भी है. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो भी हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन वो आपको मैं लास्ट में करवाऊंगी एंड में. ठीक है, आज हम बस करेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरो. अब तक हमने किया था, तो अब तक हमने जो भी किया था वो क्या किया था, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरो. बिना बोरो लिए हमें हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था. आज हम क्या करेंगे हमारी क्लास में, आज हम सब्ट्रैक्शन बोरो लेकर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये है आपके पेज नंबर 66, पेज नंबर 66. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 72 माइनस 5, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हैव अरेंज. ओके, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ये अरेंज करा हुआ है. अब हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला नंबर देखते हैं. ऊपर वाले नंबर में से हमें नीचे वाला नंबर कट करना होता है, तो 2 में से हमें 5 कटना है, कट करना है. तो अगर आप हम लेते हैं 2 फिंगर्स, 2 में से हमें कट करना है 5. तो कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम 2 फिंगर में से 5 नंबर कट कर दें, बिकॉज नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर कंपैरिजन टू दिस नंबर. इस नंबर की कंपैरिजन में क्या है, 2 छोटा नंबर है. अगर आप लाइन बना के भी देखते हैं 2 लाइंस, अब 2 में से 5 कैसे कट करोगे, नहीं हो सकता. कोई कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर में से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर माइनस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. कैसे माइनस करोगे, माइनस में तो कट करना पड़ता है, तो 2 में से 5 नहीं हो सकता, है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं. बोरो का मतलब होता है हम पास वाले से उधार ले लेते हैं कि वो वन नंबर हमें दे दे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक बोरो फ्रॉम टेंस डिजिट. हम क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे, किससे बोरो लेंगे, टेंस डिजिट से. टेंस डिजिट मतलब टेंस ये वाली होती है, ये वंस होती है कि टेंस होती है. तो हम जो भी इसकी नियरेस्ट डिजिट होगी उससे क्या करेंगे, बोरो लेंगे. तो हम इससे बोरो ले लेंगे वन नंबर, हमेशा वन नंबर लेते हैं. ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 12. समझ आ गया, कब करते हैं, जब हमारा ऊपर ऐसा नंबर होता है कि हम नीचे वाले नंबर को उसमें से कट नहीं कर सकते. मतलब ऊपर वाला नंबर स्मॉलेस्ट होता है इस नीचे वाले नंबर से, तब हम क्या करते हैं, हम बोरो लेते हैं नियरेस्ट नंबर से. तो हमने वन नंबर बोरो लिया, और जैसे ही हम बोरो लेते हैं ये वाला नंबर क्या हो जाता है, वन नंबर लेस हो जाएगा. अगर आपसे कोई चीज़, कोई भी चीज़ ले लेगा तो आपके पास कम हो जाती है ना चीज़, ऐसे ही इसके पास भी, इसने वन नंबर इसको दिया तो इसके पास कितना रह गया, नंबर वन लेस कर देंगे तो नंबर क्या रह जाएगा इसके पास, ओनली 6. ओके, 7 में से 1 माइनस करते हैं, 7 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 1, 6. ठीक है, अब 12 में से 5 कट करना है हमें. तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको फिंगर्स पे 12 नंबर काउंट करना है. यहाँ पे आपको 1, आपकी लाइंस बनी हुई होती है ना फिंगर्स पे, उस लाइन उतनी लाइंस को आपको क्या करना है, काउंट करना है. तो 12 काउंट करना है आपको फिंगर्स पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो कितनी, 4 लाइन, 4 फिंगर्स पे 12 लाइंस है, 4 फिंगर्स पे 12 लाइन है, इसमें से 5 कट करना है. तो 5 कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कट हो गया. अब उसके बाद आपको 5 कट करने के बाद आपको नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 12 में से 5 कट करेंगे, नंबर 7, एंड 6 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, तो 6 का 6 एज इट इज. अब बी क्वेश्चन 53. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द डिजिट, 53 माइनस 4, सबको एक बार अरेंज कर लेते हैं.
54 minus 7, 83 minus 39, and then 61 minus 39. थ्री में से फोर कट कर सकते हैं? नहीं, थ्री अगर हम थ्री लाइंस बनाते हैं, थ्री में से फोर कैसे कट कर सकते हैं? थ्री तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, फोर बड़ा नंबर होता है. तो इस कंडीशन में वी विल टेक बोरो फ्रॉम नियरेस्ट नंबर, पास वाले नंबर से बोरो लेंगे. और इसमें बोरो लेते ही पास वाले नंबर में वन नंबर लेस हो जाता है, फाइव की जगह यहाँ पे क्या नंबर हो जाएगा, नंबर फोर. ठीक है, एक नंबर माइनस करते हैं, कट कर देते हैं, फाइव में से वन कट कर देंगे फोर. अब 13 में से 4 कट करना है. अगर आपको फिंगर्स पे नहीं आ रहा तो आप अभी फिलहाल, मैं आपको एक बार लाइंस ड्रॉ करके भी बता देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 लाइन हो गई. इसमें से 4 कट करना है. आप उतनी ही लाइंस अपनी फिंगर्स की लाइंस पर भी काउंट करोगे, फिंगर्स पे काउंट करोगे. ठीक है, एंड 4 कट करना है. तो 1, 2, 3, 4 कट हो गया. तो कितनी रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 में से 4 कट करेंगे, नंबर 9. और 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो एज इट इज. 4 में से 7 हो सकता है, 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर कंपैरिजन टू दिस नंबर. तो वी विल टेक बोरो एंड यहाँ पे 7 की जगह क्या हो जाएगा, नंबर 6. वन नंबर लेस हो जाता है. 14 में से 7 कट करना है, तो अगेन आप फिंगर्स पे काउंट करोगे, लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, बट उसको आप इरेज कर देना, फिंगर्स पे काउंट करना ज़्यादा बेटर है. ठीक है, तो सबसे हमारी वन फिंगर पे 3 लाइंस होती हैं, तो आप काउंट करोगे, 3 हो जाएगी. 3 की टेबल स्टार्ट करो, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12. तो हमारी 4 फिंगर्स पे 12 लाइंस हो गई. हमें चाहिए 14 नंबर, 30, 40, उसमें से कट करना है 7. तो 2 नंबर कट हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कट हो जाएगी. तो उसके बाद आपको काउंट करना है 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे 14 में से 7 कट करेंगे तो 7 आएगा, एंड 6 का 6 एज इट इज. अगेन 4 में से 7 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेस होकर 14 में से 7, अभी हमने किया था 14 में से 7 कट करते तो 7 और 4 का 4 एज इट इज. 3 में से 9 पॉसिबल ही नहीं है माइनस करना, तो हमने बोरो लिया. और यहाँ पे 8 की जगह क्या नंबर आएगा, वन नंबर लेस हो जाएगा, 7 हो जाएगा. 13 में से 4 9 कट करते हैं, 13 यहाँ, ये यहाँ पे हमने बनाई थी, 13 में से अगर हम 9 कट कर देते हैं, यानी ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने कट करी, तो 1, 2, 3, 4. तो 13 में से 9 कट करेंगे, नंबर 4. 7 में से 3 कट करेंगे, नंबर 4. यहाँ पे अगेन 1 में से 9 पॉसिबल ही नहीं है माइनस होना, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा. 11 में से 9 कट करेंगे. अगर आपको देखो स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ में आता, आपको क्या करना है, जो नंबर कट किया है ना उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करो. 9 के बाद क्या आता है, 10. इतना काउंट करना है आपको कि ये नंबर आ जाए. 9 के बाद क्या काउंट करना है, 10, 11. कितने नंबर करने पर आया, 2 नंबर करने पर, तो आपका ये आंसर 2 आ जाएगा. यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करोगे, इजीली कर लोगे आप, 2 आ जाएगा. मैं एक बार वापस बता देती हूँ, यहाँ पे आपको, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 9 है. तो 9 के बाद आपको काउंट इतने नंबर काउंट करने हैं कि ये 13 बच जाए. तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13. तो कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे नंबर 4 आ गया, वेरी इजी. ऐसे इसमें करना है, 7 है यहाँ, 14 है यहाँ, 7 है. 7 के बाद काउंट करना है इतना कि आपका नंबर 14 बन जाए. 7 के बाद क्या काउंट करूँगी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. और फिर इन नंबर्स को 5, 6, 7, ये हो गया यहाँ पे 7. आ गया समझ में आपको कैसे करना है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है फिंगर्स पे काउंट करके, तो आप कैसे कर सकते हो? इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये बोरो यहाँ पे इसमें लेस नहीं हो सकता, कट नहीं हो सकता है. तो आप वन नंबर लोगे बोरो पास वाले नंबर से, और इसको वन नंबर लेस कर दोगे, यानी वन नंबर उसमें से कट कर दोगे नियरेस्ट नंबर में से. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस नंबर को, जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 4 है, तो हमेशा आपको नीचे वाले नंबर को से के आगे से काउंट करना स्टार्ट करना है. ये जो नंबर होगा उसके आगे से काउंट करना है, जिससे ये ऊपर वाला नंबर बन जाए. 4 के बाद 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 हो गया हमारा, उसके बाद हम सारे फिंगर्स को काउंट कर लेंगे। ये 5 होती है, ये 6, 7, 8, 9, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर के बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 है, 5 के बाद से 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना बना रहा है हमें 12, ये हो गया। तो हम इनको काउंट करेंगे, कितना नंबर हुआ, नंबर 7। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कैसे आपको बोरो लेके कैसे आपको सब्ट्रैक्शन करनी होते हैं। सो ईच स्टूडेंट डू पेज नंबर 66 इन योर बुक, नॉट इन योर कॉपी। थैंक यू।